अलॉट किया गया था कि बच्चे इसके बोलें और बच्चों को इसके बारे में अवेयर किया जाए। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के बनने के पीछे, जैसे कि आपने सुना है कि हेनरी ड्यूनिंग साहब का रोल रहा है, वो एक जंग में अचानक चले गए ऑस्ट्रेलिया और जो इसका जंग चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का, तो वर्ल्ड वॉर में वहां गए जब, तो उन्होंने बहुत सारे फौजी देखे वहां पे जो जख्मी पड़े थे, कोई उनको उनका हाल पूछने वाला नहीं था, किसी को पट्टी करने वाला कोई नहीं था, कोई फर्स्ट एड देने वाला नहीं था, तो वो अपने बिजनेस के काम से गए थे। तो वहां जाकर उन्होंने जब ये चीज उनको महसूस हुई कि ऐसी कोई सोसाइटी दुनिया में होनी चाहिए जो ऐसे लोगों की इमदाद करे बगैर किसी सियासत के, बगैर किसी मुल्क की तरफदारी के, एज ए ह्यूमन बींग जो है वो काम करे। तो इस तरीके से हेनरी ड्यूनेंट साहब ने वहां पर एक टीम बनाई, उनके ऊपर जो जंग में गए और फौजियों को जिनने पट्टी वगैरह की फांसी देने की कोशिश की, उनको पानी पिलाया, तो जो टीम थी उसके ऊपर एक निशान लगाया रेड का, रेड प्लस का या रेड क्रॉस का, तो वही रेड क्रॉस जो है सोसाइटी बन गई आसपास। बहरहाल रेड क्रॉस सोसाइटी, और हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम खैरुन नासी मन यनफउ नास, कि आप में से बेहतरीन शख्स वही है जो इंसानियत की खिदमत करे, जो इंसानियत की फलाह बहबूदी के लिए काम करे। तो वही सोच जो है हेनरी ड्यूरेंट के माइंड में भी आई, और आज इंडिया के अंदर जब ये एस्टेब्लिश हुई 1920 में, तो 655 जो है इसकी ब्रांचेज हैं जो मुख्तलिफ जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में, विलेजेस में और स्टेट्स में काम कर रही हैं। 655 ब्रांचेज हैं रेड क्रॉस सोसाइटी की, और हेल्थ एजेंसी यह है हमारी एक रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसका काम क्या है अब इसकी एक्टिविटीज के बारे में आप जानिए। कि एक तो है कि हेल्थ प्रमोट करनी है, सिक एंड इल पीपल की हेल्थ को प्रमोट करना है, एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है लोगों को, ब्लड कलेक्ट करना है और फिर ब्लड बैंक के अंदर उसको स्टोर